दोस्तों आज 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया और लॉकडाउन को 19 दिन और बढ़ा दिया, यानी कि 3 मई तक देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी। दोस्तों दरअसल अटकलें यह लगाई जा रही थी कि देश में लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या नहीं, या फिर कब तक बढ़ाया जाएगा। दोस्तों 14 अप्रैल से पहले कुछ राज्य जिनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, महाराष्ट्र, मेघालय, तमिलनाडु राज्यों ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया था और इस दौरान उन राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा जिनमें बसें ट्रेनें पूर्ण रूप से बंद रहेगी। दोस्तों इसके साथ ही 21 दिन के लॉकडाउन की तरह है, इन 19 दिनों में ट्रेनों का संचालन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 21 मार्च से 14 अप्रैल तक देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि हुई है। इसके लिए रेलवे ट्रेनों का संचालन 3 मई तक कैंसिल रखेगा, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन में जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बसें, रेल एवं फ्लाइट पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। तो रेलवे की तरफ से ऑफिशियल सूचना जारी कर दी गई है जिनमें सभी पैसेंजर ट्रेनें, जिनमें प्रीमियम ट्रेनें, मेल एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, सब अर्बन ट्रेनें, कोलकाता मेट्रो रेल, कोंकण रेलवे, सभी ट्रेनों को 3 मई 2020 तक रात 12 बजे तक कैंसिल कर दिया गया है। तो दोस्तों यह थी छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।